हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की सोशल की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर थ्री लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ का पार्ट थ्री जिसमें हम पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अ इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सर्फेस सम ऑफ इट साइड्स आर ऑफ एन स्टीप स्लोप्स ठीक है तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है प्लेटो क्या है एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो हमारे सराउंडिंग से थोड़ा सा ऊंचा होता है ठीक है फ्लैट सर्फेसेस होते हैं कुछ इसके जो साइड्स होते हैं वो स्टीप्स होती हैं मतलब आपको दिखेगा तो ऐसे दिखेगा ऐसे तो ये जो हमारा दिख रहा है वो ये एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है लेकिन ये जो दिख रहा है वो स्टीप स्लोप्स दिख रहा है राइट right? तो इसी चीज को बताने की कोशिश की जा रही है लाइक माउंटेन्स प्लेटूज कैन बी यंग ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री जिस तरीके से माउंटेन्स जो हैं यंग और ओल्ड होते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे जो प्लेटू भी हैं वो भी यंग और ओल्ड होते हैं टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटू आर तिब्बतन प्लेटू द लार्जेस्ट एंड द हाइस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड पहला एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटू का ठीक है तिब्बतन प्लेटू कहाँ पे है हमारे मैप में हमारे मैप में नॉर्थ में है नेपाल से ऊपर ठीक है तो तिब्बतन प्लेटू जो है वो हाईएस्ट और लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू है हमारे वर्ल्ड का एंड द डेकन प्लेटू इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेकन प्लेटो द हाइट ऑफ प्लेटूज कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स की हाइट जो है कुछ हंड्रेड मीटर्स के साथ साथ कुछ थाउजेंड मीटर्स तक भी हो सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेटू हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर्स ये बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है कि जो तिब्बतन प्लेटू है उसकी उसका जो एल्टीट्यूड है वो 4500 मीटर्स है विच एक्सप्लेन्स व्हाई इट हैज़ अ निक द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया रूफ ऑफ द वर्ल्ड संसार की छत फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली टू किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन से मतलब इधर से और इधर से ईस्ट से ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट ठीक है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर है ठीक है चंडीगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक ठीक है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी चंडीगढ़ से कन्याकुमारी जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी इसकी है द डन प्लेटू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू अगर हम बात करते हैं डेकन प्लेटू का वो हमारे सेंट्रल इंडिया का और साउथन इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेटू है वर्ल्ड में फॉम थ्रू वॉल्कनिक एक्टिविटीज़ जो वॉल्कनिक एक्टिविटीज से बना है तो ठीक है कौन सा प्लेटू है जो वॉल्कनिक एक्टिविटीज से बना है वो है डेक एंड प्लेटू ठीक है तो ये डेक एंड प्लेटू है जो वॉलकानिक एक्टिविटी से बना हुआ है लाइक माउंटेन्स प्लेटूज़ आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स माउंटेन्स के जैसे प्लेटूज़ भी मिनरल के डिपॉजिट्स के लिए बने जाते हैं दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ़ द मिनरल इसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल है ना मिनरल्स का स्टोर हाउस कहा जाता है एज अ रिजल्ट माइनिंग इज़ अ मेजर एक्टिविटी ऑन द प्लेटो जिसकी वजह से यहाँ पे माइनिंग बहुत तेजी से होता है वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से माइंस पाए जाते हैं द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू में गोल्ड और डायमंड की माइनिंग की जाती है इंडिया में आयरन कोल और मैंगनीज की माइनिंग की जाती है कहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू में कहाँ पर की जाती है छोटा नागपुर प्लेटू में द प्लेटू इन्वायरमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो प्लेटू का एनवायरनमेंट कैसा है डायवर्स है मतलब कहने का कि है तो चीज़ प्लेटू ही लेकिन क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं अलग अलग जगह का के हिसाब से इसका अलग अलग क्या मिल रहा है हमारा वेदर मिल रहा है क्लाइमेट मिल रहा है चीज़ें सब कुछ अलग अलग मिलेंगी मैनी प्लेटूज है वह रॉक की सॉइल बहुत सारे प्लेटोज ऐसे हैं जिनकी सॉइल कैसी है रॉक की सॉइल है मेक देम लेस फर्टाइल देन प्लेन जो थोड़ी सी लेस फर्टाइल है क्या है फर्टिलिटी इसमें नहीं है एंड देयरफोर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग इसकी वजह से यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती ठीक है क्या नहीं हो पाता फार्मिंग नहीं हो पाता लेस फर्टाइल होता है इन्वामेंट uh, डाइवर्स होता है माइनिंग का काम यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स है ठीक है एंड एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेटू एज दे ऑफन हैव अ रिच ब्लैक सॉइल ठीक है तो इसका एक्सेप्सन जो है वो लावा प्लेटू है जो वॉल्कनिक्रप्शन से वॉल्कनिक एक्टिविटीज से बना हुआ है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है ब्लैक होती है और रिच सॉइल होती है मतलब यहाँ में इन इस सॉइल में हमको फर्टिलिटी ज़्यादा मिलती है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं ठीक है थीके? हम इस सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है प्लेटूज़ आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टिकुलर वाटर बात करते हैं अगर प्लेटूज के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं जैसे विक्टोरिया फॉल ऑन जाम्बेजी रिवर इन साउथ अफ्रीका ठीक है कहाँ पे मिलता है विक्टोरिया फॉल साउथ अफ्रीका में है जाम्बेजी रिवर पे किस रिवर पे जाम्बेजी रिवर पे वेरी इंपॉर्टेंट एम में पूछा जा सकता है द हुंड फॉल ऑन सुबर्ण रेखा रिवर इन छोटा नागपुर प्लेटू एंड द जोग फॉल ऑन हु फॉल जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पर है जो छोटा नागपुर प्लेटू में है और जोग फॉल जो है वो शरावती रिवर पे है वेस्टर्न घाट में ठीक है तो हुंडरू फॉल सुबर्ण रेखा रिवर पे है छोटा नागपुर प्लेटू में और विक्टोरिया फॉल की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका में है इंडिया में नहीं है जाम्बेजी रिवर पे है ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं आ, उसके बाद हम अगर बात करते हैं आ, द आ, नो आ, नोहा किल कालिकाई फॉल के बारे में आ, जो 340 मीटर मीटर्स चेरा पूंजी प्लेटू में पाई जाती है मतलब मेघालय में पाई जाती है 340 मीटर्स की ऊंचाई से ये नीचे गिरती है देखो आई थिंक उसी की ये इमेज भी है हाँ इमर्जिंग फ्राम द चिरा पूंजी प्लेटू यहाँ पे देख रहे हो अब कितनी हाइट है इसकी है ना ये इसी हाइट की वजह से क्या होता है इन्हीं हाइट की वजह से ये इतनी ऊंचाई से ये गिरता है तो ये फॉल का फॉर्मेशन करता है इसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में ओके तो प्लेन्स आर द लैंड फॉर्म प्लेन्स क्या होते हैं प्लेन्स एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो एक्सटेंसिव फ़्लैट होता है मतलब बिल्कुल ऐसे होगा एक्सटेंसिव फ़्लैट होगा और जेंटली अनजिलेटिंग सर्फेस या फिर सरफेस ऐसे भी हो सकता है हल्का फुल्का टिल्टेड हो सकता है जो डोंट हैव लार्ज हिल्स इसमें बड़ी बड़ी हिल्स नहीं होती और डीप वैलीज भी नहीं होती है ना दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 हंड्रेड मीटर्स अबॉफ द सी लेवल और इनकी जो हाइट होगी वो 300 हंड्रेड मीटर्स जो होंगी वो सी लेवल से ऊपर हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो सी लेवल क्या होता है सी लेवल एक ऐसा लेवल होता है सरफेस ऑफ द ओशन की जिसमें कि हमारा एक नॉर्मल एवरेज लेंथ हमारा एक एवरेज सॉइल uh, या लैंड मास पाया जाता है दैट मीन्स एवरेज लेवल ऑफ़ द सर्फेस ऑफ द ओशन ऑल्सो कॉल मीन सी लेवल ठीक है ना जहाँ तक सी पहुँच सकता है उसको हम कहते हैं सी लेवल फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन दूसरी जो प्लेन की बात हो रही है वो है फ्लड प्लेन्स वन टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय रिवर ऑरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस कहाँ पे बनता है फ्लड प्लेन्स माउंटेन रेंजेस के पास बनता है वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक सैंड एंड सिल्ट कॉल सेडिमेंट्स जहाँ पर ये सेडिमेंट रॉक सिल्ट ये सब कलेक्ट करते हैं ठीक है और बाद में यही सेडिमेंट जो है वो कैरिड अवे टू द प्लें प्लेन्स में यही सेडिमेंट्स कैरी करके जाते हैं वेयर द रिवर्स डिपॉजिटेड डैम मेकिंग द सॉइल फर्टाइल जहाँ पर इन्हीं सेडिमेंट्स को रिवर डिपॉजिट कर देती है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा के रखती है एज अ रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप ऑफ ऑल काइंड एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म ठीक है इसीलिए यहाँ पे क्रॉप्स uh, की ग्रोइंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स लगाए जाते हैं अलग अलग तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं यहाँ पे ठीक है प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ही बताया था सबसे फर्स्ट चैप्टर में फ्लोरा और फाउना के बारे में आ, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ विजिट ज़रूर कीजिएगा मैंने क्लासिक्स के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है तो आप चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं फ्लोरा और फाउना मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ फ्लोरा क्या है फ्लावर्स प्लांट्स वाले कैटेगरी के सभी चीज़ें और फाउना जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बात की गई है ठीक है तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डार्क ग्रीन कलर में मतलब जो ब्राउनिश ग्रीन कलर है उसमें तुम्हें तो सभी प्लेटू दिखाई देंगे बच्चों देखो इंडिया में तिब्बत के ऊपर तिब्बतन प्लेटू दिख रहा है ये देखो ये है ये तिब्बतन प्लेटू है है ना फिर ये यूराल माउंटेन है दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है यूराल माउंटेन है जो माउंटेन रेंज है चलो मैं आप कोशिश करती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाने के लिए तो तिब्बतन प्लेटू हम रेड कलर में देख रहे हैं तिब्बतन प्लेटू है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका में ये प्लेटू दिखाई दे रहा है उसके बाद हमें साउथ अमेरिका में यहाँ प्लेटू दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मेजर मेजर जो प्लेटू है देखो मंगोलिया में भी एक प्लेटू दिखाई दे रहा है मंगोलिया के पास तो ये सभी क्या है हमारे प्लेटूज है ओके okay, अब बात करते हैं हम उसके बारे में अगर रिवर प्लेन्स के बारे में तो यहाँ देखो नाइल रिवर के पास रिवर प्लेन दिख रहा है यहाँ पे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा और वांगो रिवर का दिख रहा है यहाँ मिसिसिपी और मिसौरी का दिख रहा होगा यहाँ पे अमेजन रिवर का है ठीक है तो यहाँ पे मेजर जो रिवर प्लेन्स हैं वो हमारा अमेरिक नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी साउथ अमेरिका में अमेजन अफ्रीका में नाइल और इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस और बात करते हैं चाइना की तो चाइना में हमारा क्या मिलता है वांगो रिवर एक्सक्यूज मी आगे बढ़ते हैं माउंटेन रेंजेस के बारे में माउंटेन रेंजेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ही हमें फिर से ब्राउनिश कलर में दिख रहा है यहाँ पे देखो रॉकी माउंटेन है साउथ अमेरिका में एंडीज है और अफ्रीका में एटलस है यूरोप में यूराल है और यहाँ पे हमारा हिमालयन बेल्ट है पूरा ठीक है ना जहाँ पे तो आपको ये एरो से दिख रहा है ये पूरा का पूरा हिमालयन बेल्ट है ओके आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ देखो आप और सेटेलाइट व्यू ऑफ गंगा प्लेन गंगा प्लेन जो है ना मतलब गंगा रिवर कहाँ से कैसे फ्लो करती है इसका एक ये सेटेलाइट इमेज है ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं दिगर थ्री पॉइंट नाइन हैजेन फ्रॉम अ सेटेलाइट इट कैप्चर्स पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अ हाई अल्टीट्यूड ऑब्जर्व एंड डिस्कस द इमेज एज अ क्लास एक्टिविटी विच कलर इज द गंगा प्लेन अब देखो गंगा प्लेन किस कलर में दिख रहा है ग्रीन कलर में दिख रहा है ना व्हाट डज द व्हाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट व्हाइट एक्सपेंस क्या दिखा रहा है यहाँ पे व्हाइट एक्सपेंस हमारे ग्लेशियर्स को शो कर रहा है ना स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो भी उसके बारे में दिखा रहा है